हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब के होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। आप अपने होम स्क्रीन को अपने फोटो लगा सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के फोटो लगा सकते हैं, या तो किसी भी का फोटो लगा सकते हैं, अपना थीम भी एक लगा सकते हैं अलग से। कुछ बहुत ही यूनिक और डिफरेंस लगेंगे फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरह से लगेंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे मेरा वाला जो यूट्यूब के होम स्क्रीन है कितना यूनिक लग रहा है। ऐसे आप भी कर सकते हैं एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई भी आपको इसके लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक फ्रेंड्स। और साथ में सेकंड नंबर बताना चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि अपने यूट्यूब वीडियोज को बैकग्राउंड में प्ले करें लॉक स्क्रीन के साथ, तो ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को छोड़ के मत देना। स्किप करने से समझ में नहीं आएगा मेन पार्ट अगर छोड़ गया तो पूरा वीडियो को देखना फ्रेंड्स। और चलिए देरी ना करते हैं, वीडियो करते क्या स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैं सबसे पहले आपको डेमो में दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे दिखेंगे आपका जो यूट्यूब के होम स्क्रीन पे आप जब चेंज करेंगे थीम को। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दिखने लग जाएंगे जैसे कि मेरा जो यूट्यूब है उस तरह से आपका भी यूट्यूब देखने लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं पीछे के साइड में आपको कुछ दूसरा बैकग्राउंड देखने को मिल जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपको लाइव डेमो दिखाने के लिए मैं यहाँ आपको इसको चेंज करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं अपना इसमें पिक डालता हूँ, बैकग्राउंड में मैं खुद का फ़ोटो लगाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो सिंपल से मैं एक वीडियो हालांकि प्ले करके आपको दिखा देना चाहता हूँ सबसे पहले। तो दूसरे के वीडियो छोड़ के मैं खुद का चैनल का कोई वीडियो लेता हूँ ताकि कोई कॉपीराइट ना मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से रहेंगे और इस तरह से लुक आएगा दिखने में। तो उसके बाद आपको फ्रेंड्स नॉर्मली से वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अपना यहाँ खुद का फ़ोटो को कैसे लगाऊँ। मतलब यहाँ तो एक नॉर्मल सा थीम में लगा के रखा हूँ, अब आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप खुद अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो सिंपली से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद गैलरी में जाना है फ्रेंड्स, और कोई अपना एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला फोटो को मैं हालांकि सिलेक्ट कर लूँगा फ्रेंड्स। तो सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेट एज वॉलपेपर, मतलब कि आपको खुद के होम स्क्रीन पे इसको रखना है, मतलब वॉलपेपर बना के रखना है। तो वॉलपेपर में अप्लाई करने के बाद आपका बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद सिंपली आप जब भी यूट्यूब को अपना खोलिएगा तो आपका जो फ़ोटो है होम स्क्रीन पे वो यूट्यूब के होम स्क्रीन को भी दिखेंगे। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी होम स्क्रीन पे मतलब वॉलपेपर पे कोई भी दूसरा फ़ोटो रखेंगे तो वो आपका यूट्यूब के होम स्क्रीन को भी दिखाएगा, मतलब यूट्यूब के होम स्क्रीन भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो ये है आज का ट्रिक। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक दिखने में लग रहा है, और आप खुद का भी फ़ोटो रख सकते हैं, किसी का फोटो रख सकते हैं, मतलब होम स्क्रीन में आपको जो भी फोटो रखना है वही आपका यूट्यूब पे भी दिखेंगे। और साथ में फिर से मैं एक अच्छा सा थीम को रख लेता हूँ। तो चलिए फिर दिखाता हूँ फिर से एक थीम को रख के। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली से ये कोई अच्छा सा आईडी सा थीम रख लेता हूँ, और थीम रखने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फिर से यूट्यूब जब भी खोलिएगा तो आप फिर से देख सकते हैं कि मेरा जो होम स्क्रीन में मतलब वॉलपेपर मैंने जो पिक को बनाया था वो मेरा यूट्यूब के होम स्क्रीन को भी दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से चेंज हो गया फ्रेंड्स। और साथ में सेकंड नंबर ट्रिक की बात करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड प्ले की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड में मतलब आप सिंपली से जो वीडियो के यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं डाउनलोड के बगल में बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, तो बैकग्राउंड के ऑप्शन में आपको वीडियो चलते रहना है और बैकग्राउंड को टच करना है ऑप्शन वाला में। तो टच करने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखिए वीडियो से बाहर आ जाते हैं। वीडियो से बाहर आने के बाद भी आपका जो वीडियो है आपका वीडियो वो चलते रह जाएगा। और आप इससे मतलब ऑडियो MP3 अगर वीडियो देखना चाहते तो मतलब गाना सुनना चाहते सिर्फ तो उसका मजा ले सकते हैं, और साथ में आप स्क्रीन लॉक भी करके रख सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं इसके। और आप ऊपर में स्लाइड करके जब भी देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि आपका जो वीडियो है वो प्ले है। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि फिर से ये जो ट्रिक है इसको कैसे अपना फ़ोन में अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए फिर से सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिया है वो लिंक को टच करके, पहला नंबर लिंक को टच करके ओपन करना है।
तो फ्रेंड्स सिंपली से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। उसके बाद तो मैं ब्राउजर में सिंपल से ओपन करता हूँ साइट को, मतलब जो मैंने लिंक दिया उसको, और जो डाउनलोड वाला मतलब ऑप्शन है उस पर आपको टच करके इसको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को और इंस्टॉल कर लेना। तो आप सिंपली से कर लीजिए उसको और इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको जो सेकेंड नंबर जो लिंक मैंने दिया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिर से उसको जाना है और उस पर फिर टच करना है। और नेक्स्ट टच करने के बाद उस पर थोड़ा ध्यान देना है फ्रेंड्स कि वीडियो में हो सकता है मतलब कि जो होम पेज है थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो आपको थोड़ा छोटा करके आपको ऊपर में देख सकते हैं अपने ग्रीन कलर का जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है 25 MB का, आपको डाउनलोड करना है यहाँ एप्लीकेशन को। तो यहाँ डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जितना भी प्रोसेस है सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है यहीं पर, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। आपका जो यूट्यूब है वो होम स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा ये ट्रिक, और बहुत ही यूजफुल ट्रिक रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, और लाइक कर देना फ्रेंड्स, लाइक करके ही जाइए वीडियो को, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हमारे जो चैनल है इस पर ऐसे ही नए नए ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।